नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आदिकाल के प्रतिष्ठित कवि तथा खड़ी बोली के आदि कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित एक पहेली का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को अति सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब मैं शुरू करता हूं। आदिकाल के प्रतिष्ठित कवि तथा खड़ी बोली के आदि कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित एक पहेली का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। चलिए व्याख्या शुरू करने से पहले मैं इस पहेली को आपके समक्ष पढ़ता हूं। पहेली: एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। चलिए पहेली पढ़ने के बाद अब इस पहेली में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उन शब्दों का अर्थ आपको बता देता हूं ताकि पहेली का अर्थ समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए सबसे पहले शब्दार्थ: थाल। जी हां, थाल। थाल का यहां अर्थ आकाश है। ऐसे तो थाल का अर्थ थाली होता है, परंतु यहां पर थाल का अर्थ आकाश है। मोती। मोती का अर्थ एक चमकीला पदार्थ या तारा जो आकाश में रात के समय टिमटिमाते रहता है। भरा यानी पूर्ण रूप से भरा हुआ। सिर यानी मस्तक या माथा। औंधा यानी उल्टा। धरा यानी रखा हुआ। चारों ओर यानी चारों तरफ, हर तरफ से। फिरे यानी घूमना। आइए शब्दों का अर्थ बतलाने के बाद अब मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। चलिए शुरू करता हूं। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक। यहां पर आप पाठ्य पुस्तक का नाम लिख सकते हैं जो पुस्तक आपके यहां पढ़ाई जाती है। जैसे लिखा जा सकता है हिंदी साहित्य, कला, संस्कृति और अभिव्यक्ति के पाठ पहेलियां नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इस पाठ के रचनाकार अमीर खुसरो जी हैं। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक दौर के या आदिकालीन कवि हैं। इन्हें खड़ी बोली का आदि कवि भी कहा जाता है। यही नहीं, अमीर खुसरो को भारत का तोता की उपाधि से भी विभूषित किया जाता है। आइए संदर्भ बतलाने के बाद अब मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। प्रसंग: प्रसंग यह एक बहिलार्पिका पहेली है। बहिलार्पिका पहेली वह पहेली या प्रहेलिका या प्रश्नोत्तरा अलंकार युक्त छंद होता है जिसका उत्तर मन में ही मग्न या लीन रहता है, या फिर मन के भीतर ही कहीं छिपा हुआ या डूबा हुआ रहता है। अर्थात इसका उत्तर मन के भीतर ही प्राप्त हो जाता है, उसे हम बहिलार्पिका पहेली कहते हैं। प्रस्तुत पहेली की रचना अमीर खुसरो जी ने मनोरंजन करने के उद्देश्य से की है, साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चों में, बड़ों के मन में समझ बूझ विकसित करने के लिए इस पहेली का निर्माण किया है। इस पहेली में उन्होंने इसी प्रसंग का उदाहरण देते हुए चित्रण किया है। आइए संदर्भ और प्रसंग बतलाने के बाद अब मैं इस पहेली का उत्तर देता हूं। आइए मैं पहले की भांति एक एक दो दो पंक्ति पढ़ता हूं, फिर उसका अर्थ बताते हुए व्याख्या करता हूं ताकि आप पहेली का अर्थ अच्छी तरह से समझ सकें। चलिए अब मैं शुरू करता हूं। पहेली: एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। एक थाल यानी एक थाली, परंतु यहां पर इसका अर्थ है आकाश। भरा यानी परिपूर्ण या भरा हुआ। सिर यानी मस्तक। औंधा यानी उल्टा।
धरा यानी रखा हुआ, चारों ओर यानी चारों तरफ, थाली यानी बड़ा सा बर्तन जैसा, फिरे यानी चक्कर लगाना, मोती यानी तारा, एक न गिरे यानी उसमें से एक भी नहीं गिरना। ध्यान दीजिएगा, यह एक बहुत ही लोकप्रिय पहेली है। यह पहेली घर घर में सुनी जाती है। अमीर खुसरो एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे। यही नहीं, अमीर खुसरो एक दूरदर्शी व्यक्ति भी थे। साथ ही साथ अमीर खुसरो एक विनोद प्रिय व्यक्ति भी थे। ध्यान दीजिएगा, अमीर खुसरो में एक अद्भुत विलक्षण प्रतिभा थी कि वे चलते फिरते पहेलियों की रचना कर देते थे। एक दिन की बात है, जब वे अपने मित्रों के साथ टहल रहे थे, साथ ही साथ एक तरह का खेल भी खेल रहे थे, तभी उन्होंने आसमान की तरफ देखा। फिर क्या था, उन्हें आसमान में जगमगाते हुए तारे दिखाई दिए। फिर अमीर खुसरो कहाँ चुप रहने वाले थे। अरे भाई, अमीर खुसरो को तो मौका मिलना चाहिए कुछ कहने के लिए। फिर उन्होंने यह पहेली कह दी। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। जी हाँ, अब आपको इस पहेली को बार बार पढ़ना है और बार बार पढ़ने के बाद इसका अर्थ आपको निकालना है कि अमीर खुसरो इस पहेली के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं। जी हाँ, अमीर खुसरो ने खेल खेल में एक पहेली तो कह डाली। उन्होंने कहा कि हे मित्रों, हे मेरे बंधुओं, हे मेरे साथियों, बताओ वह क्या चीज है। एक मोतियों से भरी हुई थाली है जो सबके सिर पर उल्टी रखी हुई जान पड़ती है। ऐसे तो वह थाली चारों ओर घूम रही है, लेकिन उसका एक भी मोती नीचे नहीं गिरता है। बताओ वह क्या चीज है। अब बताइए वह क्या चीज है, इस पहेली का क्या उत्तर हो सकता है। यदि आप इस पहेली का उत्तर जानना चाहते हैं तो बार बार पहेली को पढ़ने का प्रयास कीजिए। जी हाँ, बार बार पढ़ने से आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। प्रयास कीजिए, वह क्या चीज है, बार बार प्रयास कीजिए। एक थाली है जो मोतियों से भरी हुई है, परंतु वह उल्टी रखी हुई जान पड़ती है। थाली से एक भी मोती जो है नीचे नहीं गिरता है। बताइए अब क्या चीज है। ऐसे तो वह थाली चारों ओर घूम रही है, परंतु उसका एक भी मोती नहीं गिरता है। अब बताइए वह चीज क्या है। जी हाँ, बार बार पढ़ने से ही आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। जी हाँ, चलिए समय नहीं लेते हुए मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है आकाश और तारे, जो तारे आकाश में टिमटिमाते रहते हैं। चलिए अब मैं पुनः पढ़कर इसे स्पष्ट कर देता हूँ कि कैसे इसका उत्तर जो है आकाश और तारे हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। अब मैं इसे समझाता हूँ, इसे आप ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए थाल, यहाँ पर थाल आसमान है, जो नीला आकाश दिखाई दे रहा है वह थाल, थाल क्या है, थाल आसमान है, यानी थाल आसमान का प्रतीक है। तथा मोती जो टिमटिमा रहे हैं वह क्या है, टिमटिमाते हुए तारे का प्रतीक है, यानी बिल्कुल मोती के प्रतीक हैं। अतः रात के समय थाल रूपी आसमान मोती रूपी तारों से भरा हुआ होता है, और फिर आसमान रूपी थाली सभी लोगों के सिर पर उल्टी लटकती हुई जान पड़ती है, फिर भी उसका एक भी मोती रूपी तारा नीचे नहीं गिरता है। यानी इससे स्पष्ट होता है कि इस पहेली का सही उत्तर आकाश या आसमान और तारे हैं। आशा करता हूं आप इस पहेली का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए हैं। चलिए
अब इस पहेली में जो खास बात है उसे मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, यानी अब मैं विशेष आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। विशेष, अमीर खुसरो जी ने इस पहेली में थाल आसमान का तथा मोती तारे का प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। यह एक बिनबुझ पहेली है जो जल्दी पढ़ने पर समझ में नहीं आती है, परंतु बार बार पढ़ने से तथा सही उत्तर देने के लिए दिमाग को कुछ देर के लिए कष्ट देना पड़ता है, तब जाकर इस पहेली का सही उत्तर समझ में आता है। इस प्रकार इस पहेली का सही उत्तर आसमान और तारे हैं। चूंकि यह एक बहिलार्पी का पहेली है, इसीलिए इस पहेली का उत्तर हमें बाहर ही प्राप्त हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस पहेली की भाषा सरल सरस खड़ी बोली है, जिसे अमीर खुसरो जी ने हिंदवी नाम दिया है। इस पहेली में कवि का भाषाई ज्ञान व चतुराई भी प्रकट होता है। आशा करता हूँ आप इस पहेली का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।